వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ ఒడిశా ఒడిశా బ్లాగర్స్ అని ఐ హోప్ ఆప్ సబ్ లోగ్ బహుత్ బడియా హోంగే మస్త్ హోంగే ఆర్ మే బీ బహుత్ బడియా హూం ఆజ్ నా ప్రథమ అష్టమి హై ఒడిశా కా ఫేమస్ ఫేమస్ నేమ్ ఒడిశా కా ఫెస్టివల్ హై జిస్మే జో బడే బేటే హై నా ఉన్కే లియే ఉన్కో పూజా కర్తే హై పతీ మయా హై ఉన్కే ఉన్కో పూజా కర్తే హై ఆర్ బేటే కో పూజా కర్తే బేటే హో బేటీ హో जो भी हो और उसी पूजा का करने के लिए मैं अभी मेरा बेटा जो बड़ा है तो उसको मैं तैयार कर रही हूँ अभी और आप लोग और जो लोग उड़िया हैं उनको तो इस फेस्टिवल के बारे में पता है लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना उनको पता नहीं इसके बारे में क्योंकि मेरी बहन रहती है ना गुजरात में तो उनके यहाँ ये सब फेस्टिवल नहीं मनाते तो इसलिए बोल रही हूँ कि उन लोगों को नहीं पता आप लोगों को जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए वीडियो है और उनके उनके यहाँ नहीं है तो वो लोग नहीं मनाएंगे लेकिन सिर्फ जानने के लिए ही है और जो उड़िया लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा शायद क्योंकि उन लोगों को पता है ये सब कैसे मनाते हैं क्या है जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए मैं भी बना रही हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर भी करना फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना और जो मेरे चैनल पर न्यू आते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास बेल का आइकन है उसे प्रेस भी कर लेना उसके क्या हुआ उसे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगा और आप लोग आसानी से देख सकोगे आप लोग देख सकते हो मैं नया साड़ी पहनी हूँ और ये आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था और ये आज मैंने प्रथमा अष्टमी हमारे यहाँ जो होती है मैंने आप लोगों को बताया था उसी के लिए मेरे पापा ने लाए हैं मेरे लिए और मैं तो बड़ी बेटी हूँ और ये साड़ी आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना मैं आप लोगों को दिखाऊँगी पूरी साड़ी पिक में और आप लोगों को मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा मुझे तो बहुत पसंद है मुझे येलो कलर ज़्यादा पसंद नहीं फिर भी ये इतना भी येलो नहीं है थोड़ा सा कितना गाढ़ा वाला येलो है तो चल जाएगा दूसरा भी कलर है ना वो चल जाएगा और मुझे तो अच्छा लगा ये साड़ी आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और मैं तो ना कभी प्रथमाष्टमी मेरे मन नहीं मनाई थी सिर्फ जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मनाई थी और शादी के बाद तो नहीं मनाई थी क्योंकि ये जो होती है ना प्रथमाष्टमी ये मामा के घर से आते हैं उड़ीसा में आप लोगों जो उड़ीसा के बाहर है उन लोगों को तो पता नहीं है कि प्रथमाष्टमी के दिन जो बड़े बेटे और बेटी और बेटा होते हैं ना उनके लिए मामा लाते हैं उनके लिए कपड़े मिठाई सब लाते हैं लेकिन मेरा मामा भी लाते थे जब मेरा शादी नहीं हुई थी और शादी होने के बाद एक बार दिया था और नहीं देते हैं तो नहीं करते और इस साल मैं घर पे था तो मम्मी के यहाँ हूँ तो मम्मी ने बोला तुम जैसे भी हो तुम मेरी बड़ी बेटी हो मामा दे या ना दे फिर भी तुम्हें मनाना चाहिए ये प्रथमाष्टमी मनाना चाहिए तो मैंने बोला कि नहीं मनाऊंगी ना क्यों नहीं मनाऊंगी मेरी बड़े बेटी हो तो मनाना चाहिए और मनाओगे भी और पापा को बोला पापा ने मेरे लिए कपड़े लाए और मुझे तो आज बहुत खुश लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद आज प्रथमाष्टमी मना रही हूँ और मम्मी के घर पे भी तो अच्छा लग रहा है और मम्मी भी अभी पूजा भी सब करेगी अब कैसे जैसे ना बेटी को जो बड़े बेटे बेटी या बेटा होते हैं उनको बैठा के ऐसे उल्लू उल्लू करते हैं करते मैं आप लोगों को दिखाऊंगी
आप लोगों दिखा उन्हें, आप लोगों सुनाई देगा, लुल 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 मैम करेगी, आप लोगों को सुनाई देगा। और बहुत चीज़ है वहाँ पे, एक जो सुपारी रख के वहाँ भगवान को बुलाते हैं कि आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, और से आह्वान करके पूजा करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, ऐसे ही करें कुछ। आज तो हम दोनों ही माँ बेटे दोनों ही बैठ के पूजा होंगे, कि मैं बड़ा हूँ और मेरा बेटा श्रीनु भी बड़ा है, तो हम दोनों ही पूजा मम्मी करेगी। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वो पूजा मम्मी कैसे कर रही है, आप लोगों तो हंसी आएगी, क्योंकि मम्मी जो उल्लू उल्लू करेगी ना, आप लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि आप यहाँ नहीं है, उड़ीसा में है ये, फेमस है और उसको शुभ मानते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये चावल और हल्दी ये मिक्स हो के रखा है, और ये हमारे यहाँ तो बोलते हैं दुब्बो, आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, आप लोग को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये फूल, और ये जो क्या है बेर का, बेरी का जो होता है खट्टे वाला चीज़, वो उसी का पत्ता है, हमारे यहाँ उसको सूप बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ जैसे क्या पुष्पांजलि देते हैं जैसे ना, उसी तरह करते हैं जिसको पूजा करते हैं। और हम लोग तो बड़े हैं ना, मेरे तो मैं तुम्हारी तो मम्मी पापा का बड़े बेटी हूँ, और मेरी बेटी बेटे भी बड़ा है, तो उसी तरह हम लोग प्रथमाष्टमी मनाते हैं। और देखो मम्मी कैसे उल्लू 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 करती है, वो लोग हमारे यहाँ शुभ मानते हैं, तो जिस तरह होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये पूजा? मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, और मज़ा भी लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद मनाई, अच्छा तो लगा आप लोगों को। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग यहाँ तो नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो लोगों को अच्छा लगेगा मेरे वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और शेयर करना, और सब कमेंट भी करना। और न्यू हो मेरे चैनल पर, जो न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास में जो बेल का आइकन है, घंटी है, उसको प्रेस कर लेना। और तब क्या होगा ना उससे, कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी, अच्छा बुरा जो भी हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, तो आप लोग देख सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।